एवरीवन, आई एम बैक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं DIY पेंटिंग स्पॉन्ज। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी एक स्पॉन्ज की। डोंट लुक एट दैट। तो ये स्पॉन्ज मैंने 20 रुपीज का लाया था एंड मैंने इसको पहले भी पेंटिंग करने के लिए यूज किया, इसीलिए इसकी हालत थोड़ी खराब है। बाय द वे, अभी मैंने यहाँ पे यूज किया है एक ढक्कन का एंड उससे मैंने स्पॉन्ज के ऊपर एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है एंड ऐसे ही मैंने यहाँ पे 3 डिफरेंट साइज के सर्कल ड्रॉ कर लिए हैं। इसके बाद हम उठा लेंगे अपना हथियार एंड इसको काटना शुरू कर देंगे। मैंने यहाँ पे कटर का यूज इसलिए किया है क्योंकि कटर से ये बहुत ही इजीली कट हो जाता है। तो हमारे ये पहला सर्कल तो कट हो गया है, ऐसे ही हम बाकी के दोनों सर्कल्स को भी कट कर लेंगे। तो हमारे तीनों स्पॉन्ज के पीसेस कट हो गए, अभी हमें इनको शेप देना है। तो यहाँ पे मैं इसको सीजर से शेप दूंगी एंड जितना हो सके उतना मैं इसको स्मूथ करने का ट्राई करूंगी। इसके फिनिश हो जाने के बाद में हमें बाकी के दोनों पीसेस के साथ में भी सेम प्रोसेस फॉलो करना है। हमारे स्पॉन्ज के पीसेस तो रेडी है, अभी हमें बनानी है इसके लिए हैंडल, जिसके बारे में सोच सोच के मेरा दिमाग खराब हो गया। बट फाइनली मुझे एक बहुत ही इजी सा आइडिया मिल गया। यहाँ पे मैंने लिया है एक व्हाइट पेपर जिसकी लेंथ 7 सेंटीमीटर। इसके बाद में हमें लेनी है एक वुडन स्टिक। पेपर के एक साइड पे हम लगाएंगे फेविकॉल एंड वुडन स्टिक को इसके ऊपर स्टिक कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने वुडन स्टिक का यूज इसलिए किया जिससे हमारा हैंडल थोड़ा मजबूत बने, पर अगर आप चाहो तो इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हो। स्टिक कर देने के बाद में हमें पेपर को रोल 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 करते जाना है, लास्ट में हम इसको फेविकॉल से स्टिक कर देंगे। तो हमारा हैंडल बहुत ही इजी टेक्निक से बनके रेडी हो गया। तो ऐसे ही मुझे दो और बनाने हैं। यहाँ पे मैंने तीनों ही हैंडल बना के रेडी कर लिए हैं जिसका साइज है 7, 6 एंड 5 सेंटीमीटर। आप चाहो तो इनका साइज सेम भी रख सकते हो। उसके बाद हमें ले लेनी है एक सेलो टेप एंड उससे इस हैंडल को पूरा कवर कर देना जिससे कि ये वाटरप्रूफ हो जाए, क्योंकि स्पॉन्ज को यूज करने के बाद में वॉश करना पड़ता है। टेप लगा देने के बाद में हमारा हैंडल बन के रेडी हो जाएगा एंड बाकी के दोनों पीसेस के साथ में भी मैंने सेम प्रोसेस फॉलो किया है। तो अभी जो स्पॉन्ज हमने बनाए थे उसके ऊपर के साइड में हमें सीजर से एक छोटा सा होल करना है ताकि हम हैंडल को इसके साथ में अटैच कर पाएंगे। तो ऐसे ही मैंने तीनों पीसेस के अंदर होल्स बना लिए। तो अभी मैंने लिया फेविबॉन्ड और इसके एक साइड पे मैं अच्छे से फेविबॉन्ड लगा दूंगी। यहाँ पे मैंने फेविबॉन्ड का यूज किया, इसकी जगह पे आप फेविक्विक या किसी भी स्ट्रॉन्ग ग्लू का यूज कर सकते हो। फेविबॉन्ड लगा देने के बाद में हम इसको अपने स्पॉन्ज के साथ में अटैच कर देंगे। सेम प्रोसेस हम अपने बचे हुए दोनों पीसेस के साथ में करेंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि मेरी आवाज डोरेमोन से जियान जैसी कैसे हो गई। तो मुझे जुकाम लगे जिसकी वजह से मेरे गले की हालत खराब है एंड इसी के साथ में हमारे तीनों पीसेस बन के रेडी हो गए हैं एंड ये एग्जैक्ट सेम पिक्चर के जैसे बने हैं। मैंने यहाँ पे 3 पीसेस बनाए, आप चाहो तो इसको जितनी चाहो उतनी साइजेस में बना सकते हो। ऑल्सो इसको बनाने में मुझे सिर्फ एक 20 रुपीज का स्पॉन्ज ही यूज हुआ है। आई मेड दिस इन जस्ट ₹20। लो भाई इंग्लिश। तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको आज की वीडियो कैसी लगी। अमेजिंग वीडियोस के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।